इनेलो नेता अभी चौटाला रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने नहर नहीं गड्ढा खोदा था और बीजेपी के मुख्यमंत्री कमजोर हैं, जो लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख पा रहे। बता दें कि इनेलो SYL नहर का पानी हरियाणा में लाने के लिए जगह जगह जनसभाएं कर रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी SYL का पानी हरियाणा में लाने की कोई बात नहीं कही। अपने कार्यकर्ताओं के डिस्ट्रिक्ट के सम्मेलन रखे हुए हैं और इस सम्मेलन का जो रखने का उद्देश्य है वो एक तो पार्टी के संगठन को नए सिरे से बढ़ाने की बात है और नए एक सदस्य अभियान हम चला रहे हैं। इसमें हमारा टारगेट है कि पहले 20 लाख के करीब हमारे सदस्य थे, अब हम उस संख्या को बढ़ा करके 25 लाख तक ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ SYL नहर को लेकर जो पिछले 2 महीने से लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की तरफ से रुकावटें पैदा की जा रही हैं, उस नहर की खुदाई का काम शुरू हो उसके लिए हमने जहां अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, वहीं जन जागरण अभियान के तहत हम सबको निमंत्रण और न्योता देकर कहेंगे कि आप भी उस नहर के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम। यशपाल मलिक ने जो फैसला लिया है वो इसलिए लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से आज किसी भी संगठन का विश्वास उठ गया, इस बात के लिए उठ गया कि जो वायदे भाजपा ने लोगों के साथ किए थे उनमें से एक वायदा भी अब तक पूरा नहीं हुआ। सर, कोई भी संगठन, किसी भी संगठन के व्यक्ति से आप पूछ करके देखोगे 100% वो ये कहेगा कि भाजपा ने हमारे साथ गद्दारी की। चुनाव का इश्यू नहीं है, ना कोई चुनाव का इसमें अड़चन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को सरकार को मानना पड़ेगा। हर हालत में नहर की खुदाई होगी। अगर सरकार ने नहीं ये काम शुरू किया तो हम स्वयं करके पानी लेकर के।